हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो वेलकम अगेन टू द क्लास ऑफ हाउंडिंग्स आफ्टर लॉन्ग वेकेशंस. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर दैट इज लेजर. एंड लेजर इज अ सेकेंड स्टेप ऑफ बेसिक अकाउंटिंग प्रोसेस. हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये जो चैप्टर है इसका भी अपना एक पर्पज है और इसे अपने आप में प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग कहा जाता है, दैट इज लेजर. ये नाम जो है लेजर का भी आपने आम भाषा में सुना होगा. जैसे इसको हम बोलते हैं खाता बही, हिंदी में बोलते हैं खाता बही, कि तुमने अपने खाते मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं, रिकॉर्ड मेंटेन किए हैं कि नहीं किए हैं, लेजर मेंटेन की है कि नहीं किए हैं. बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमने कहा कि जो बिजनेस है उसके ट्रांजेक्शन्स जो है उन्हें हमें रिकॉर्ड करना है. चलो हमने रिकॉर्ड कर लिया. रिकॉर्ड हमने कहाँ किया? जर्नल में किया. जर्नल हमने पढ़ी थी रिकॉर्डिंग, तो रिकॉर्डिंग जर्नल में हो गई. अब जर्नल में जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हुए तो बहुत सारे अकाउंट हम ओपन करते गए. जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हमने कैश अकाउंट ओपन किया, हमने बैंक अकाउंट ओपन किया, हमने सेल्स की एंट्रीज करी तो सेल्स अकाउंट ओपन किया. ये सारे अकाउंट है. परचेज अकाउंट हमने ओपन किया, ठीक है. कुछ असेट्स के अकाउंट जैसे फर्नीचर अकाउंट हमने ओपन किया, कुछ एक्सपेंसेस के अकाउंट जैसे सैलरी अकाउंट हमने ओपन किया, रेंट हमने ओपन किया, कुछ डिस्काउंट के कॉलम हमने ओपन किए, कुछ डेटर के कॉलम हमने ओपन किए अकाउंट, कुछ क्रेडिटर के अकाउंट्स, ऐसे करके एंड सो ऑन जितने भी अकाउंट थे हम ओपन करते गए. बहुत सारे अकाउंट हमने ओपन कर दिए. अब सोचिए, केवल रिकॉर्डिंग करने से तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा नहीं, आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाए कि भाई मैंने साल भर में या एक महीने में या एक वीक में जो भी ट्रांजेक्शन किए उनका रिजल्ट क्या है. रिजल्ट लाइक अगर मैं जानना चाहता हूं कि कैश मेरे पास कितना आया, कितना गया और कितना बचा, तो मैं कैसे जानूंगा? कितना बैंक बैलेंस मेरा बचा, कितनी मैंने सेल करी उस पूरे एक पीरियड में जिसकी मैं बात कर रहा हूं, कितनी मैंने सेल करी, कितने का हमने फर्नीचर हमारे पास पड़ा है, कितने हमारे डेटर हैं और कौन कौन है जिनसे मैं पैसा लेना है, कौन कौन हमारे क्रेडिटर हैं जिनको मैं पैसा देना है, ये कैसे पता चलेगा? हम तो सिर्फ ट्रांजेक्शन करते गए, रिकॉर्ड करते गए, करते गए, करते गए, लेकिन हम लोगों ने और ट्रांजेक्शन भी हम लोग रिकॉर्ड करते गए डेट के हिसाब से. एक ट्रांजेक्शन एक तारीख को, एक ट्रांजेक्शन 15 तारीख को, एक तारीख 30 तारीख को हो रहा है, किसी एक अकाउंट से रिलेटेड है. जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर एक राम एक पर्सन था जिसे हम गुड्स सेल करते थे क्रेडिट पर, ठीक है. तो हम कहते हैं राम हमारा डेटर है. हम राम को क्या कहते हैं? बिजनेस टर्म्स में राम हमारा डेटर है. अब हम ये जानना चाहते हैं कि राम से हमारा क्या हिसाब किताब है, कितना उसको लेना है, कितना उससे देना है. तो ये करने के लिए आपने पहले जर्नल में एंट्री तो कर ली, उसके सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लिए, डेबिट क्रेडिट कर लिया, लेकिन अब बैलेंसिंग कैसे करें? कैसे आप ये जाने कि राम से क्या हिसाब किताब है, क्योंकि उससे तो हमने गुड्स बेचा भी था, कुछ पैसे आए भी थे, कुछ गुड्स उसने वापस रिटर्न भी कर दिया था ना. अब हम लोग उसका बैलेंस जानना चाहते हैं. तो इन बैलेंसेस को जानने के लिए हम लोग लेजर में ये सारे अकाउंट ओपन करते हैं. जितने भी अकाउंट हम लोगों ने जर्नल में ओपन एंट्री में करे थे वो सारे अकाउंट यहां पर एक जगह क्लासिफाई किए जाएंगे और एक अकाउंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शंस थे अलग अलग डेट के उन्हें एक जगह लाकर पोस्ट किया जाएगा. एक जगह लाकर जितने भी ट्रांजेक्शन हुए थे उनको पोस्ट कर दिया जाएगा, उस अकाउंट में लिख दिया जाएगा. जैसे अगर मैं कैश अकाउंट बनाता हूं तो
कैश अकाउंट में आपके वो ट्रांजेक्शन क्या कर दिए जाएंगे, जितने भी ट्रांजेक्शन कैश से रिलेटेड हुए थे, कैश आने के जाने के, जिसमें कैश डेबिट हुआ था, क्रेडिट हुआ था, वो सारे ट्रांजेक्शन कैश अकाउंट में लाकर लिख दिए जाएंगे। पोस्ट करने का मतलब लिख दिए जाएंगे, और ताकि आप ये निकाल सको कि आपका कितना बैलेंस कैश का बच गया एंड में। ये बैलेंस इस अकाउंट से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, और ये अकाउंट जिस बुक में खुलेगा उस बुक का नाम है लेजर। ठीक है, ये अकाउंटिंग की सेकेंड प्रोसेस है। जो अकाउंटिंग साइकिल हमारी चलती है उसकी पहली प्रोसेस थी जर्नल, जिसमें ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड तो कर लिए और अनगिनत ट्रांजेक्शन हो सकते हैं जिनको हमने रिकॉर्ड भी कर लिया, लेकिन उनका कंक्लूजन क्या निकला, किस अकाउंट का क्या हिसाब किताब है, किस राम से कितने लेने, शाम को कितने देने, ऐसे 10 पार्टियां 1000 पार्टियां हो सकती हैं, तो सबका हिसाब किताब एक जगह रखना, एक जगह लेके आने का काम लेजर में किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं कि लेजर क्यों बनाई जाती है। एक तो हमें बैलेंस निकालना है, और एक जो एक ही अकाउंट से रिलेटेड अलग अलग ट्रांजेक्शन अलग अलग डेट पे जर्नल में रिकॉर्ड हुए हैं, उन्हें एक साथ एक जगह लाकर हमें उनका हिसाब किताब करना है, देखना है। राम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन में एक जगह रखना चाहता हूं ताकि मुझे राम का सारा हिसाब किताब एक साथ पता चल जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं लेजर में राम का अकाउंट ओपन करूंगा और जर्नल में जो भी उसकी एंट्रीज राम से रिलेटेड थी अलग अलग जगह पर अलग अलग डेट पर, वो मैं सारी लाकर राम के अकाउंट में क्या कर दूंगा, लिख दूंगा, पोस्ट कर दूंगा। इसे बोलते हैं लेजर में पोस्टिंग करना, लेजर पोस्टिंग। ठीक है, तो पढ़िए हमने क्या लिखा है लेजर के बारे में। लेजर इज अ प्रिंसिपल बुक। पहली बात तो अकाउंटिंग की ये प्रिंसिपल बुक होती है, जर्नल तो प्राइमरी बुक होती है जहां ट्रांजेक्शन पहली बार रिकॉर्ड होगा। प्रिंसिपल बुक लेजर है क्योंकि प्रिंसिपल बुक जो लेजर है उसी से कुछ कंक्लूजन निकलेगा, प्रॉफिट लॉस ही निकलेगा, केवल ये निकलेगा कितना बैलेंस है लेजर का। प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग इन लेजर में क्या करते हैं, ऑल द अकाउंट्स आर ओपन, जितने भी अकाउंट हैं सारे ओपन किए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, किसकी हेल्प से, जर्नल की हेल्प से। मतलब लेजर जर्नल की हेल्प से बनेगी। टू फाइंड आउट, क्यों बनाएंगे, टू फाइंड आउट द बैलेंस ऑफ अकाउंट्स एट द एंड ऑफ रिलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड। अगर आप महीने में एक बार जानना चाह रहे हैं बैलेंस, तो महीने का निकाल लो, महीने का लेजर बना लो। पूरे साल का जानना चाहते हो तो पूरे साल का महीने वाइज ब्रेकअप करके बना लो, एक वीक का बना लो, जैसी भी आपकी जरूरत है वैसे आप लेजर बना सकते हो। तो समझे, जितने भी अकाउंट आपने ओपन किए थे जर्नल में, उस सारे अकाउंट के यहाँ पर एक जगह लाकर उन्हें हम पोस्ट कर देंगे, तो उसी बुक को जहां ये सारा काम होगा उसे हम लेजर देंगे। ठीक है, अब लेजर बनाना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको एंट्री आती है, आपने एंट्री कर ली, तो लेजर बनाने में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेजर का भी अपना, जैसे जर्नल का अपना एक फॉर्मेट है, लेजर का भी अपना एक फॉर्मेट है। तो आज फॉर्मेट आपको बता देते हैं लेजर का फॉर्मेट क्या है। लेजर का फॉर्मेट ये है कि एक अकाउंट जो आप खोल रहे हैं, पहले अकाउंट का नेम आ जाएगा, जैसे मैंने कहा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है कैश अकाउंट, अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं, उसके बाद ये इसका फॉर्मेट होगा, उसकी दो साइड लेंगे अपन, डीआर और सीआर। कॉलम बनाएंगे डेबिट में, साइड डेबिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट इन रुपीज। सिमिलरली क्रेडिट साइड में डेट पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट इन रुपीज। तो इस तरह ये दो साइड होंगी, डेबिट और क्रेडिट साइड,
अब आप बोलोगे सर ये दो साइड क्यों करी है, तो इसका जवाब अपन जनरल में बोल चुके हैं कि हर ट्रांजेक्शन जब होता है तो या तो वो जब रिकॉर्ड होगा तो डेबिट भी होता है क्रेडिट भी होता है, डेबिट और क्रेडिट फॉर्म के रिकॉर्ड फॉर्म में रिकॉर्ड होता है ड्यूर एंट्री ड्यूर एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से जब एंट्री सिस्टम है। तो एंट्री जब हम करते हैं जर्नल में तो वहां पर कैश अकाउंट डेबिट भी हुआ होगा क्रेडिट भी हुआ होगा। तो अगर वो डेबिट होता है तो रूल ये है पोस्टिंग करने का, जैसे एग्जाम्पल है ये वाला, सपोज हमारे पास कैश आया ये एंट्री है कैश अकाउंट या टू सेल्स 10,000। क्या मतलब है इस एंट्री का कि हमने गुड्स बेचा है और सेल किया है, सेल्स क्रेडिट हो जाएगा अकाउंट और कैश आ रहा है कैश डेबिट हो जाएगा। तो देखो इस अकाउंट में कैश अकाउंट भी है एंट्री और सेल्स अकाउंट भी है, मतलब कैश अकाउंट भी खुलेगा और सेल्स अकाउंट भी खुलेगा। बट अभी हम लोग कैश अकाउंट सीख रहे हैं, पोस्टिंग कैसे करनी है बहुत सिंपल सा तरीका है उसका। आप जो अकाउंट बना रहे हैं जैसे आप कैश अकाउंट बना रहे हैं तो आप देखिए कैश अकाउंट एंट्री में डेबिट हुआ है तो पोस्टिंग डेबिट साइड में होगी, और अगर कैश अकाउंट एंट्री में क्रेडिट हुआ है जैसे एक एग्जांपल ये भी ले लीजिए, हमने गुड्स परचेज भी किया था मान लीजिए, तो एंट्री क्या हुई होगी परचेज करते समय कि परचेज किया परचेज अकाउंट डीआर गुड्स आ गया, सपोज हमने 8,000 का गुड्स परचेज किया था और परचेज किया तो कैश चला गया, कैश गया तो कैश को क्रेडिट कर देंगे, असेट कम हो गई कैश की, ये एंट्री हुई परचेज अकाउंट डीआर टू कैश। आई होप एंट्री तो आपको क्लियर होगी क्योंकि एंट्री आएगी एंट्री होगी तभी जर्नल लेजर बनेगी, बिना एंट्री के लेजर नहीं बनेगी। तो ये एंट्री और ये एंट्री है, इसमें आप देखें कैश क्रेडिट हो रहा है इसमें कैश डेबिट हो रहा है, फोकस कैश पर होना चाहिए क्योंकि हम कैश अकाउंट बना रहे हैं। अगर हम परचेज अकाउंट बना रहे होते तो हमारा फोकस परचेज पर होता कि परचेज डेबिट हो रहा है तो डेबिट में लिखेंगे, और सेल्स अकाउंट बना रहे होते तो सेल्स पर फोकस होता कि सेल्स क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट लिख देंगे, ठीक है। बट अभी हमारा फोकस कैश अकाउंट पे होना चाहिए, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट हो रहा है और यहाँ टू लिखने का मतलब वो क्रेडिट हो रहा है। तो सीधी सी बात है अगर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग कैश अकाउंट के डेबिट साइड में होगी, और अगर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में होगी, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी जनरल एंट्री में, और अगर कैश क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट में होगी। तो सीधी सी मतलब क्या है, कैश डेबिट कब होता है जब पैसा आता है, तो हम लिखते जाएंगे जहां जहां पैसा आ रहा है। यहां पर्टिकुलर्स में क्या लिखना है, डेट में तो हमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन लिखनी है, जो भी डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है भैया जैसे ये ट्रांजेक्शन मान लीजिए 1 अप्रैल को हुआ तो वहां पे डेट आ जाएगी 1 अप्रैल। पर्टिकुलर्स में ना हमें रेफरेंस लिखना होता है, पर्टिकुलर्स में ये टू करके लिखा जाता है सी इसमें डीआर साइड में और यहां वाई करके लिखा जाता है, यहां हमें रेफरेंस लिखना है। रेफरेंस मतलब हमें ये बताना है कि जैसे कैश अगर डेबिट हुआ, कैश अगर डेबिट हुआ है मतलब पोस्टिंग तो डेबिट में हम लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे, लेकिन डेबिट हुआ क्यों, किस वजह से हुआ, मतलब पैसा तो आया डेबिट हुआ है कैश तो कहां से आया, वो रेफरेंस हमें यहां लिखना है ताकि तुरंत पकड़ में आ जाए कि भाई पैसा आया यहां से आया। तो आपको जर्नल एंट्री बाद में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप लेजर से देख लेंगे तो। समझ आई बात की, जैसे अभी इस वाली एंट्री में आप देखें तो कैश डेबिट हो रहा है तो डेबिट में पोस्टिंग कर देंगे, लिखेंगे क्या टू सेल्स, रेफरेंस में क्या लिखेंगे टू सेल्स, यानी ये रहेगा टू सेल्स। तो रेफरेंस क्या आया कि अगर कैश डेबिट हो रहा है मतलब पैसा आ रहा है तो लिखना है उल्टा, क्रेडिट क्या हो रहा है, एंट्री में कैश डेबिट हो रहा है पोस्टिंग डेबिट में होगी लेकिन लिखना क्या है रेफरेंस में उल्टा, क्रेडिट क्या हो रहा है, क्योंकि जो चीज क्रेडिट हो रही है वो रिप्रेजेंट करेगी कि भाई कैश अगर डेबिट हुआ पैसा अगर आया है तो कहां से आया है, सेल करने से आया है, मतलब हमने गुड्स बेचा हुआ, ये यहां से हमें रिफ्लेक्ट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है टू सेल्स। अब कैश के सामने का अमाउंट जो है कोई कैश अकाउंट बना रहे कैश के सामने वाला अमाउंट यहां लिख दिया जाएगा रेफरेंस, ठीक है। तो ये लिखना सिर्फ एक रेफरेंस है। इसी तरह अब इस एंट्री में कैश क्या हो रहा है टू मतलब क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट में होगी, मतलब कैश का क्रेडिट होने का मतलब क्या है कैश गया कहां गया, तो ये रेफरेंस में दिखा देंगे। डेबिट क्या हो रहा है एंट्री में परचेज, तो लिखेंगे बाय परचेज, भाई परचेज किया है गुड्स खरीदा है उसमें कैश गया है, कितना गया है कैश के सामने वाला। बस ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 मैं रिपीट कर देता हूं, पोस्टिंग कैसे करनी है अकाउंट में,
जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो अगर वो डेबिट हो रहा है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, और वही अकाउंट अगर एंट्री में क्रेडिट हो रहा है तो पोस्टिंग क्रेडिट में होगी। और अगर एंट्री में वो अकाउंट है ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक एंट्री है राम अकाउंट डीआर टू सेल्स, ये भी हमने कोई गुड्स बेचा है मान लीजिए 20,000 का, लेकिन इस एंट्री में आप देखो कैश नहीं है, कहीं पर भी कैश नहीं है, तो इस एंट्री की पोस्टिंग यहां पर कैश अकाउंट में होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि एंट्री में कैश इफेक्ट नहीं हुआ। यहां कैश इफेक्ट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, लेकिन लिखना क्या है उल्टा, डेबिट क्या हुआ एंट्री में रेफरेंस के लिए, तो रेफरेंस लिखना क्या है रिवर्स। अगर कैश डेबिट हुआ पोस्टिंग डेबिट में, लिखना क्या है क्रेडिट क्या हुआ। जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, रेफरेंस दे रहा है इस चीज का कि भाई पैसा डेबिट हुआ है कैश तो क्यों हुआ है, क्योंकि सेल हुई है, सेल क्रेडिट हुई है, और क्रेडिट हुआ है कैश मतलब पैसा गया तो भाई कहां गया है, डेबिट क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है मतलब हमने गुड्स खरीदा है। तो यहीं से समझ में आ जाएगा कि कैश डेबिट हुआ है क्योंकि पैसा सेल करने पर आया 10,000, कैश क्रेडिट हो रहा है इसलिए लिखा जा रहा है बाय परचेज क्रेडिट साइड में पैसा गया है 8,000 गुड्स खरीदने में। अब मान लो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो इसका बैलेंस क्या बन जाता है कि कैश डेबिट साइड में 10,000 है जबकि क्रेडिट में 8,000 ही है, तो यहाँ 2,000 का डिफरेंस या बैलेंस आ रहा है, इसको लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब जो बैलेंस हमने एट द एंड ऑफ द जो पीरियड हम बना रहे हैं जिसका अकाउंट, उस पीरियड में निकाला कैश हमारे पास कितना बच गया। अब हालांकि तो बहुत सिंपल है सारा, ये तो सिंपल ही निकल रहा है कि 10,000 का कैश आया था, 8,000 चला गया, 2,000 बचे, लेकिन दो ही ट्रांजेक्शन है ना, दो की जगह 200 हो और 2,000 हो, 2,00,000 हो, तो आप कैसे बता रहा हो। तो ये लेजर बनती जाएगी और लेजर में जब पोस्टिंग होती जाएगी तो बैलेंस अपने आप कैलकुलेट होता जाएगा। तो इस तरह हम लोग ये बैलेंस निकालने के लिए ये कैश अकाउंट बनाते हैं और बाद में दोनों साइड का टोटल बराबर कर देते हैं। समझ आ गया बात के लिए? कि अब हमारे लिए सपोज हमने ये एक महीने का कैश अकाउंट बनाया, एक महीने में ये दो एंट्रियां हुई थी, तो हम लोगों ने ये निकाल दिया कि इस महीने में हमारे पास 2,000 का कैश बच गया। अब इसी तरह अगले महीने जाएंगे, फिर अगले महीने के ट्रांजेक्शन होंगे, उसका बैलेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ आ गया बात के लिए? आज तो हम लोग इतना ही लेंगे। ये एक सिंपल सा मैंने आपको एग्जांपल दिया है अकाउंट का फॉर्मेट कैसे होता है और अकाउंट क्यों बनाया जाता है, अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पोस्टिंग कैसे की जाती है, इसको पोस्टिंग करना कहते हैं, पोस्टिंग के रूल क्या है। रूल नंबर 1, जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हो उसको देख लो, अगर वो अकाउंट एंट्री में डेबिट है तो पोस्टिंग डेबिट में होगी, क्रेडिट टू क्रेडिट में पोस्टिंग क्रेडिट साइड में हो जाएगी। दूसरा, लिखना क्या है अपोजिट, अगर पोस्टिंग उस अकाउंट के डेबिट साइड में हो रही है तो आपको देखना होगा एंट्री में क्रेडिट क्या हो रहा है, क्रेडिट वो रिप्रेजेंट करेगा कि भाई अगर ये अकाउंट डेबिट हुआ है तो क्यों डेबिट हुआ है, तो वो रेफरेंस हमें लिखना होगा कि भाई क्रेडिट अकाउंट हुआ है सेल्स अकाउंट, इसका मतलब कैश डेबिट इसलिए हुआ क्योंकि हमने सेल कर लिया। फिर हम लोग इसी तरह अगर कैश क्रेडिट हुआ है तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, लिखना क्या है डेबिट क्या हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई ये रेफरेंस दे रहा है इस चीज का कि भाई जो पैसा क्रेडिट हुआ है जा रहा है वो कहां गया है, हमने गुड्स खरीदा उसमें गया है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इस एंट्री में कैश अकाउंट है नहीं तो पोस्टिंग करनी भी नहीं है, फिर ऐसे पोस्टिंग करते 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 एट द एंड ऑफ द पीरियड जो भी है मंथ के एंड में या वीक के एंड में या ईयर के एंड में आना है और उस अकाउंट का बैलेंस निकालना है। बैलेंस कहाँ लिखना है, जहां का टोटल कम दिख रहा है, जैसे यहाँ पर 10,000 है, यहाँ 8,000 है, तो डिफरेंस हमने 2,000 यहाँ लिख दिया। इट शोज ये क्या दिखा रहा है कि हमारे पास 2,000 का कैश बैलेंस बचा हुआ है, ठीक है। अब बाकी की बात इसमें हम आगे करेंगे अगली क्लास में। सो आज के लिए हम इतना ही लेते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये लेजर है क्या, इसमें क्या करना है, ठीक है। इतना ही काम करना है, ज्यादा और कुछ नहीं। सो आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।